Hi students, welcome to Sikshit. Today we'll be discussing the questions related to the polity that appeared in the exam in the PCS 2018. So let's begin. The first question: match the following features of the Indian Constitution from their adoptions. So इस question में हमें क्या दिया गया है? कुछ features दिए गए हैं Indian Constitution के और एक list दी गई है countries की. तो हमें ये बताना है कि कौन सा feature कौन सी country से लिया गया है Constitution में डालने से पहले. वो feature जो है वो कौन सी country के Constitution या कौन सी country से हमने borrow किया है. तो इसमें list में features क्या हैं? Federalism, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जुडिशियल रिव्यू. तो इसमें अडॉप्शंस की जो लिस्ट है उसके साथ अगर हम इसे मैच करें तो हम देखेंगे तो जो फेडरलिज्म है वो हमने कहाँ से लिया है? कैनेडा से. और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमने USSR से लिए हैं. और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो हमने आयरलैंड से बोरो किए हैं. और जो जुडिशियल रिव्यू का फीचर है वो हमने US कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया है. तो ये फीचर्स इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं. तो इसका आंसर जो बनता है A1, B2, C3, D4, दैट इज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. तो ये ऑप्शन ए इज द आंसर. इसमें सोर्सेज और फीचर्स बोरोड की लिस्ट हमने साथ में अटैच की हुई है. तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जिससे कि हमारा मेजर चंक है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोरोड है. उसमें क्या है? फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के और डिटेल्स जो हैं, जो प्रोविजंस हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म. US कॉन्स्टिट्यूशन से अभी हमने देखा, हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट दैट इज़ प्रेसिडेंट को जब इम्पीच किया जाता है उसका प्रोसीजर, रिमूवल कैसे किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो हमने सारा कुछ US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. कैनेडा अभी हमने देखा था, उससे हमने फेडरलिज्म लिया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर जैसा इंडिया के पास है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो जो इंडिया का फेडरलिज्म है, इंडिया के जो फेडरेशन है उसको क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल. जो इंडिया है वो क्वासी फेडरल है, ना पूरे तरीके से फेडरल है और ना पूरे तरीके से यूनिटरी है. ना ये है ना ये है, वो मिक्सचर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर है इसमें. दैट मीन्स जो सेंटर है वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है. तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल, जैसा कि कनाडा में है. तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. अब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी. सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से अभी हमने देखा था, फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं हमने और आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द जो मैंने प्रीएम्बल में है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो अगेन प्रीएम्बल में इंक्लूडेड हैं. साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में दिया है जो, एंड इलेक्शन ऑफ द मेम्बर्स ऑफ राज्यसभा. जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. तो ये हमारी जो पूरी लिस्ट है ये हमें मेमोराइज करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चंस सीधा इसमें आ सकते हैं पेपर में, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये आपका एक रीसेंट हैपनिंग के ऊपर बेस्ड है. तो जो लोग अपने आप को न्यूज़पेपर्स के साथ अपडेट रख रहे हैं, रीसेंट करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रख रहे हैं, वो इसको आंसर कर पाएंगे. तो क्वेश्चन क्या है? द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली विज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैज़ बीन मेकिंग न्यूज. इन दिस केस हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द डिफेंस काउंसिल्स फॉर द आम आदमी पार्टी. तो
तो एक केस हुआ था दैट वॉज रिलेटेड टू द टसल ऑफ पावर बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. तो ये जो केस था इसमें पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो उसका आंसर है पी चिदम्बरम. ये क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, आपको करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, तभी आप आंसर कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट विच टू कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट आर डिस्क्राइब्ड एज ट्विन सिस्टर कमिटीज. तो कौन सी दो कमिटीज़ ऐसी हैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं कुछ, जिनके डिफरेंट पर्पसेज हैं. तो उनमें से ऐसी दो कमिटीज़ कौन सी हैं जिनको ट्विन सिस्टर कमिटीज़ के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड एस्टिमेट्स कमिटी. तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है वो प्री एक्सपेंडिचर रोल रखती है. पब्लिक अकाउंट्स कमिटी शॉर्ट फॉर्म पैक, इसका प्री एक्सपेंडिचर रोल, सॉरी पोस्ट एक्सपेंडिचर रोल होता है इसका. ये क्या देखती है कि जो हमारे वो हुए हैं एक्सपेंडिचर हुए है गवर्नमेंट के थ्रू, वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब रोल किसका है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का. तो यही जो कमिटी है रिपोर्ट देखती है सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की. और जो एस्टिमेट्स कमिटी है वो हमारी इसके ठीक ऑपोजिट रोल है उसका, प्री एक्सपेंडिचर रोल. तो पैसा अभी खर्चा नहीं गया है उससे पहले एस्टिमेट्स कमिटी का रोल आता है यहाँ पे. ये सजेस्ट करती है कमिटी. क्या ऑल्टरनेटिव्स क्या रह सकते हैं, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज क्या हो सकती हैं, और कैसे गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर अवॉइड कर सकती है उस एक्सपेंडिचर को कैसे कट डाउन कर सकती है. सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड इकोनॉमीज, कैसे पैसा बचाया जा सकता है, कैसे जो एक्सपेंडिचर अवॉइडेबल है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है. तो वो काम किसका होता है, एस्टिमेट्स कमिटी का. तो ये जो दो कमिटीज हैं इनको क्या बोला जाता है, ट्विन सिस्टर कमिटीज. तो आंसर इज ए, जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड एस्टिमेट्स कमिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इक्वेटेड विद मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ द 42nd अमेंडमेंट. इसका रीज़न भी है, 42nd अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की 1976 में, उसमें एक लार्जर पार्ट मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट था वो उसने उसमें चेंजेस हुए थे. ऐसा कोई ही पार्ट बचा होगा जिसमें चेंजेस नहीं किए गए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बोलते हैं. द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाई इट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इसमें कोई समझने वाला चीज़ नहीं है, इसको सिर्फ मेमोराइज ही करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द शेड्यूल्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं कुछ, तो शेड्यूल्स के बारे में जो पहला इन्होंने दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स. बी क्या कह रहा है हमारे पास, शेड्यूल 11 एंड 12 वर इनकॉर्पोरेटेड रिस्पेक्टिवली बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. तो इट्स अबाउट शेड्यूल 11 एंड 12. सी हमें क्या बता रहा है, द 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 1st अमेंडमेंट. तो जो शेड्यूल 9 है हमें उसको चेक करना है. एंड डी हमें बता रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ इज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वॉज एडेड बाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो शेड्यूल 10.
अब ये पॉइंट्स हैं, इनमें से हमें रिकग्नाइज करना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहले हम चेक करते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं हम इसमें। पहले चेक करेंगे कि जो 12 शेड्यूल्स वाला पॉइंट है कि देर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज राइट। तो ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ये राइट है। देर आर टोटल 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल 11 एंड 12 जो बोला गया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से इनकॉर्पोरेट हुए हैं, विच इज ऑल्सो राइट। तो ये शेड्यूल 11 और 12 जो कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड हैं, वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से ही इंसर्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल 9, अब शेड्यूल 9 है जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, जिसमें कुछ लॉज ऐसे रखे गए थे जिन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं एक्सरसाइज कर सकती थी जुडिशरी, लेकिन कुछ ईयर्स बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि शेड्यूल 9 इज़ ऑल्सो इम्यून नहीं है वो जुडिशियल रिव्यू से, उस पर भी जुडिशरी की पावर है। और शेड्यूल 10 जो बोला गया है एंटी डिफेक्शन लॉ जो था, वो हमारा 42nd अमेंडमेंट से नहीं आया था, रादर सेकेंड अमेंडमेंट से आया था। तो ऑप्शन आंसर क्या हुआ, हमें वो ऑप्शन चूज करना था जो इनकरेक्ट है। तो इसमें से सब में से ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी भी राइट है। तो कौन सा गलत था, ऑप्शन डी शेड्यूल 10 जो कि 42nd अमेंडमेंट से नहीं 52nd अमेंडमेंट से आया है। सो राइट आंसर इज डी। तो ये कुछ शेड्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। 9th शेड्यूल जो कि ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट से टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, जो मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू की पावर जिन पे नहीं हो सकती थी जुडिशरी, एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी जुडिशरी, शेड्यूल 9 के लॉज को हाथ नहीं लगा सकती थी, उनको स्ट्रक डाउन नहीं कर सकती थी। लेकिन कुछ हाउएवर इन 2007 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आफ्टर April 24, 1973 आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। 10th शेड्यूल जो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 42nd अमेंडमेंट से नहीं बल्कि 52nd अमेंडमेंट से आया है, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और 11th एंड 12th शेड्यूल जो अभी मैंने डिस्कस किए, 11th शेड्यूल केम फ्रॉम द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड 12th इज फ्रॉम 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो जो 11th शेड्यूल है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पंचायत एंड जो 12th शेड्यूल है वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। अब ये कुछ हमें एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई हैं, जिसमें एक पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए जो फॉलो करनी पड़ती है। तो वो कंडीशंस क्या लिस्टेड हैं इसमें, ए इफ़ अ पार्टी गेट्स 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन फॉर लोकसभा इन 4 or more स्टेट्स, बी इफ़ अ पार्टी सेंड्स 4 इलेक्टेड मेंबर्स टू द लोकसभा, सी इफ़ अ पार्टी गेट्स 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, D. If a party is recognized as a state party in at least 2 states. तो इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो गलत है या जो नहीं है एक पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। द आंसर इज डी, क्योंकि जो एक पार्टी के लिए 2 स्टेट्स में जो स्टेट पार्टी है उसको रिकग्नाइज नहीं होना है, बल्कि 4 स्टेट्स का कंडीशन है। दैट मीन्स उस पार्टी को एक स्टेट पार्टी अपनी जो रिकग्निशन है वो 4 स्टेट्स में दिखानी है। तो ऊपर की जो तीनों कंडीशंस हैं वो राइट हैं। दैट मीन्स एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है,
नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए पहली कंडीशन देयर शुड बी 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स. In Lok Sabha elections. In the in four or more states. So दूसरी कंडीशन क्या दी गई है हमें, इफ अ पार्टी सेंड्स फोर इलेक्टेड मेंबर्स टू लोकसभा. थर्ड कंडीशन है इफ अ पार्टी गेट्स 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा. और ये कितनी स्टेट्स से होना चाहिए, फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स. दैट मीन्स 3 और मोर स्टेट्स. तो ये कंडीशंस जो हमारी बिल्कुल इसमें राइट दी गई थी. जो फोर्थ जो हमें गलत दी गई थी कि इफ अ पार्टी इज रिकग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स नॉट 2 स्टेट्स. तो रिकग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स. ये हमारी कंडीशंस हैं फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बिकम अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी. आंसर इज डी. कंडीशंस अभी हमने देखी क्या है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बनने की. एक बार मैं रीड आउट भी कर देती हूँ. एट प्रेजेंट 2019 का अगर हम रूल्स देखें, अ पार्टी इज रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड. येस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस. मतलब ये चारों एक साथ फुलफिल होने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई एक भी फुलफिल हो रही है तो वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन एडिशन इट विन्स 4 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स. और सेकेंड, इफ इट विन्स 2% ऑफ द सीट्स इन लोकसभा एट अ जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स. और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ इट इज रिकग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स. तो ये कंडीशंस थी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2018 इन पंजाब. अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, विच ऑफ देम इज़ इनकरेक्ट. सो पहले क्वेश्चन रीड करने से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें पंचायती राज इलेक्शंस के बारे में कुछ दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से हमें क्या पॉइंट आउट करना है जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो ऑप्शंस रीड करते हैं. ऑप्शन ए, द टर्म ऑफ द ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल इज 5 years. ऑप्शन बी, द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सी, द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू द पंचायत. डी, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इंक्लूडिंग नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. तो ये कुछ कंडीशंस हमें दी गई हैं, इसमें भी हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से अपना आंसर ढूंढ सकते हैं. तो पहला क्या है, द टर्म ऑफ द ऑफिस टू द पंचायत एट एवरी लेवल इज 5 years. पंचायती राज के बारे में है, फर्स्ट टर्म इज 5 years. सेकेंड,
डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, तो जो इलेक्शन से रिलेटेड सारा काम है, जैसे कि इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. थर्ड, द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस. तो इलेक्शन मैटर्स पे लॉ कौन बना सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर. रेगुलेटेड बाय स्टेट. एंड फोर्थ में क्या दिया गया है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जिससे कि पंचायती राज इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दी गई थी, प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन. तो 1/3 सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन. ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट से. तो अब हमें इसमें देखना है कौन सी कंडीशन गलत है. तो टर्म जो है पंचायती राज सिस्टम में, वो हर ऑफिस होल्डर की 5 years, विच इज़ राइट. सेकंड इज इलेक्शन मैटर्स, जो सारे इलेक्शन इलेक्टोरल रोल्स और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस होंगे, कैसे करने हैं इलेक्शंस, क्या क्या उसमें मोड ऑफ वो कंडक्ट होगा, सब कुछ जो फॉलो करना होता है, वो कौन, एज पर द ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच इज़ रॉन्ग. पंचायती राज के जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो ये हमें अपना एक रॉन्ग स्टेटमेंट मिली, विच इज़ ऑप्शन टू. थर्ड इज इलेक्शन मैटर्स इज रेगुलेटेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर, विच इज राइट अगेन. फोर्थ इज 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, विच इज ऑल्सो राइट. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू. आंसर इज बी, द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, दैट इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल. तो हमारे कुछ इंटर स्टेट काउंसिल्स होती हैं, उसमें जो चेयरमैन है वो कौन होता है? द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर और द यूनियन होम मिनिस्टर. तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट मेमोराइज करना है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है. सो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर. तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है. तो जो सरकारी कमीशन थी उसके रिकमेंडेशन पे ये जो इसका कमिटी है, जो काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल, इसको बनाया गया था. एंड इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, हु इज़ द चेयरमैन. सेकेंड इज द CMs ऑफ ऑल द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर. थर्ड इज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ UTs, जो UTs में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जैसे कि दिल्ली. एंड फोर्थ इज एडमिनिस्टर, जिनमें CM नहीं है, जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं हैं, उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? उनका एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक चंडीगढ़. Administrators of UTs not having legislative assemblies. Fifth, governors of states under president's rule. जिन states पे president rule impose किया हुआ है, वहाँ पे governors उन्हें represent करेंगे. Sixth is six central cabinet ministers, including the home minister, to be nominated by the prime minister. उसके साथ 5 ministers of the cabinet rank या minister of state independent charge जो hold कर रहे हैं, are nominated by the chairman of the council, who is the prime minister. They are the permanent invitees to the council. तो ये सब composition था inter state council का. Moving on to the next question, which one of the following is not a sufficient ground for convening a joint sitting of both the houses of parliament? Question में क्या पूछा है कि इन चारों conditions में से कौन सी कंडीशन नहीं है फॉर हैविंग अ जॉइंट सेटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट.
तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इनकी जॉइंट सेटिंग कब होती है? ऑप्शंस क्या हैं? रिजेक्शन ऑफ अ बिल बाय वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द अदर हाउस हैज पास्ड इट। सपोज लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया बिल को। सेकंड, बोथ हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल। जो अमेंडमेंट्स थी उन पे दोनों हाउसेज अग्री नहीं कर सके। थर्ड, मोर देन 6 months हैव इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट। 6 months का टाइम से ज़्यादा हो चुका है उस बिल पे कंसिडर नहीं ही हुआ है, वो एक हाउस से दूसरे, एक हाउस से पास होकर वो दूसरे हाउस में पेंडिंग पड़ा हुआ है फॉर मोर देन 6 months। एंड दी फोर्थ कंडीशन क्या दी गई है हमें? प्रेजिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। प्रेजिडेंट ने अपनी अप्रूवल नहीं दी है बिल को। तो इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो हमारी जॉइंट सिटिंग के लिए वैलिड नहीं है? द लोकसभा एंड द राज्यसभा, उन दोनों की जो कंडीशन थी कि रिजेक्शन ऑफ, एक ने बिल पास कर दिया एंड दूसरे ने बिल पास नहीं किया, ये वैलिड है। इसके लिए हम अपनी जॉइंट सिटिंग कर सकते दोनों हाउसेस की। अमेंडमेंट्स पास नहीं, अमेंडमेंट्स पे अग्री नहीं कर पाए हैं बोथ हाउसेस, वैलिड। मोर देन 6 months हैव इलैप्स्ड कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया और वो दूसरे हाउस में मोर देन 6 months के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, इज ऑल्सो वैलिड कंडीशन। अब प्रेजिडेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है बिल को, इट्स इनवैलिड कंडीशन। इसके लिए हम जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट नहीं करेंगे। प्रेजिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेजिडेंट। लेकिन प्रेजिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस। इज नॉट एन एमपी। तो जब वो मेंबर ही नहीं है पार्लियामेंट का, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस करके हम ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ने डिसअप्रूव किया है, किसी हाउस ने नहीं डिसअप्रूव किया है, इसमें किसी भी हाउस का कोई रोल नहीं है। तो फोर्थ कंडीशन इज द रॉन्ग कंडीशन, इनवैलिड कंडीशन। तो प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू द बिल इज नॉट द कंडीशन फॉर हैविंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो आंसर इज डी। तो हम आगे देखते हैं। जॉइंट सिटिंग इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल। तो मेन पर्पस क्या है जॉइंट सिटिंग होल्ड करने का? टू एंड द लॉक जाम, कि जो एक सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरा नहीं कर पा रहा है, तो उस लॉक जाम को हटाने के लिए हमने जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। A deadlock is deemed to have taken place under any of the following three situations after a bill has been passed by one house and transmitted to the other house. First, if the bill is rejected by the other house. Second, if the houses have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill. Or third, if more than 6 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it. So, हमने ये सारी conditions देखी, इसमें president कहीं भी figure out नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं? तो ये हैं, फर्स्ट क्या है? एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बोथ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। सेकेंड, अ सेंसर मोशन मस्ट स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन। सेंसर मोशन को रीजंस फॉर अडॉप्शन चाहिए होते हैं। थर्ड,
नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट द ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड. तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है विच इज सेइंग दैट इट मस्ट सेट आउट द ग्राउंड्स. Fourth, if a no confidence motion is passed by the Lok Sabha, the Council of Ministers is bound to resign. अगर no confidence motion is passed, then Council of Ministers have to resign. तो ये हमारे 4 points दिए गए हैं. इनमें से हमें क्या पॉइंट्स आंसर में इंक्लूड करने हैं विच आर नॉट करेक्ट. तो पहला हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. ये चीज़ बिल्कुल सही कही गई है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा लोअर हाउस. सेकेंड, सेंसर मोशन हैव टू स्टेट रीजन्स कि उसके रीजन्स क्या हैं, हमने सेंसर मोशन क्यों उसको प्रपोज किया है, क्यों पास किया है. Which is right. Third is no confidence motion grounds for its proposal. कि no confidence motion हमने क्यों propose किया है, क्यों pass किया, उसके लिए हमें क्या चाहिए, reasons चाहिए, which is wrong. Fourth is no confidence motion अगर pass हो जाता है तो council of ministers have to resign, which is right. तो नाम ही हमें दिखा रहा है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है. नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स गवर्नमेंट ने अब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहा है. तो जो एक गवर्नमेंट है हमारी इंडिया में वो कब तक पावर में रह सकती है, जब तक वो लोगों का अपने जो इलेक्टर्स हैं जिन्होंने उसे इलेक्ट किया है उसका कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रही है. जैसे ही वो उसका कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उस गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिज़ाइन. उसके बाद जो सेंसर मोशन है, सेंसर मोशन जो है इससे अलग है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से अलग है. सेंसर मीन्स टू क्रिटिसाइज या डिसअप्रूव. सेंसर का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज या डिसअप्रूव करना. तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो पार्लियामेंट में पसंद नहीं की गई है या अप्रूव नहीं की गई है, उसके लिए क्या पास होता है, सेंसर मोशन. तो इसमें से इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में ग्राउंड होने चाहिए उसके, कि उस मोशन को क्यों लाया गया है. जो कंडीशन गलत है तो आंसर इज सी, 3 ओनली. तो ये कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में. सेंसर को मोशन को इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा. नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इट नीड नॉट स्टेट द रीजंस, जो कि हमारा आंसर में लिखा आंसर था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपने रीजन स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो सेंसर मोशन किसी एक मिनिस्टर या सारे मिनिस्टर्स या कोई सिलेक्टेड नंबर ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, तभी इसमें गवर्नमेंट गिर जाती है क्योंकि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है. थर्ड, इट इज़ मूव्ड फॉर सेंचरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस. किसी पर्टिकुलर पॉलिसी या एक्शन को डिसअप्रूव करने के लिए सेंसर मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ मूव्ड फॉर असर्टनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फोर्थ, इट इज़ पास्ड इन द लोकसभा, इफ इट इज़ पास्ड इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन. तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सेंसर मोशन अगर पास हो भी जाता है तो भी गवर्नमेंट को रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर. लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन, क्योंकि अब लोगों को उसके उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू पॉलिटी जो PCS 2018 में आए थे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन.
थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया हो. यू कैन ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अस.